हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गु भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। जनाब, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11, कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में सबसे पहले मैं आज की क्लास में आप लोगों को सर्कल का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ, सर्कल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ और देन कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर आपका काम होगा एक्सरसाइज 11.1 खुद से करने का। ठीक है बच्चा लोग, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्कल के मीनिंग से। ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं। क्या कहता है, अ सर्कल इज द इक्वेशन, अ सर्कल इज द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। सर्कल जो होता है वो इक्वेशन होता है उन सभी पॉइंट्स का जो कि विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स। कहने का मतलब, मान लो ये फिक्स पॉइंट है और जो सर्कल होता है जनाब वो इक्वेशन होता है उन सभी पॉइंट्स का जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, है ना, फ्रॉम अ गिवन फिक्स पॉइंट। ठीक है, कहने का मतलब बच्चा लोग, ये एक फिक्स पॉइंट है और जो डिस्टेंस ये होगा ना इस पॉइंट से, इस पॉइंट फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट का, वही डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट का होगा। वही डिस्टेंस ये होगा, वही डिस्टेंस यही भी होगा, वही डिस्टेंस ये 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 भी होगा। कहने का मतलब, सर्कल जो होता है उन सभी पॉइंट्स का इक्वेशन होता है जो एक गिवन फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। कहने का मतलब, ये जो डिस्टेंस है ना वो क्या जनाब, सेम है। फिर क्या कहता है, सच फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। उस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अ सर्कल। और जो फिक्स डिस्टेंस होता है, जो फिक्स लेंथ होता है ना ये, उसे हम क्या कहते हैं, सर्कल का रेडियस कहते हैं। आया समझ में। अ सर्कल इज द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन फिक्स पॉइंट। जो फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, उस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं। ओके, और उस फिक्स डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। फिक्स पॉइंट को सेंटर और फिक्स डिस्टेंस को रेडियस। सर्कल का मीनिंग समझ में आया बच्चा लोग। अब इसके बाद सुनो, रेडियस का फॉर्मूला देता हूं कि आपको रेडियस कैसे फाइंड करना है। ओके, यहां पर रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है तो ध्यान देना। सर्कल का मीनिंग क्लियर हो गया, अब आगे चलो। देखिए जनाब, आपका ये रहा सर्कल, मेरी ड्राइंग पे मत जाना बच्चा लोग। ये है सेंटर, इसको ओ नाम दे रहा हूं और इसका कोऑर्डिनेट है आपका एच कॉमा के। क्या है, एच कॉमा के। और सर्कल पे एक पॉइंट पी है, सर्कल पे एक पॉइंट पी है एक्स कॉमा वाई। ठीक है बच्चा लोग, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस सेंटर से इस पॉइंट P को ज्वाइन करूं तो ये क्या है, रेडियस ही तो होगा, रेडियस ही तो होगा। और मैं कहूं, अब आप मुझे रेडियस बताओ क्या होगा। अगर आपको सेंटर पता है दैट इज H, K और सर्कल पे एक पॉइंट P है X, Y, तो रेडियस क्या होगा वो बताओ। अरे, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही तो रेडियस है ना, यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। और डिस्टेंस बोले तो क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला 10th क्लास में, अच्छा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बच्चा लोग, ये जो OP है वो कुछ और नहीं, रेडियस ही तो है आपका। और रेडियस कैसे मिलेगा यहाँ पे, डिस्टेंस फॉर्मूले से, बिकॉज दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है और वही आपका रेडियस है। तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x माइनस h, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y माइनस k का स्क्वायर। ओके, अब देखिए, सो जनाब ये लीजिए आपका रेडियस मिल गया। यानी कहने का मतलब, आगे कोई क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में अगर आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे और क्वेश्चन कहेगा कि सर्कल का एक पासिंग पॉइंट मैं बताता हूं, आप मुझे रेडियस बताओ, तो ये रेडियस आप इस तरीके से निकाल सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर। और यहां पे h और k क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट, एंड x एंड y क्या है आपका, सर्कल का कोई भी पासिंग पॉइंट। क्लियर है बच्चा लो। अब सुनो, मेरा स्क्वायरिंग करने का मन कर रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर और ये हो जाएगा जनाब x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर, और इस पूरे पे क्या लग जाएगा जनाब, r स्क्वायर।
तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर। तो बच्चा लोग ये जो फॉर्मूला देख रहे हो ना, ये जो फॉर्मूला देख रहे हो ना, ये सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने का है। और सर्कल की इक्वेशन जो है दो फॉर्म में होती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में और एक जनरल फॉर्म में। और ये जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल की इक्वेशन का। अभी मुद्दे पे आऊंगा, सर्कल की इक्वेशन पे आऊंगा और दो फॉर्म बताऊंगा आप लोगों को, एक स्टैंडर्ड फॉर्म और एक जनरल फॉर्म। तो ये जो है ना आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। एच और के क्या है आपका सेंटर की एच और के क्या है आपका सेंटर की कोऑर्डिनेट्स, और ये जो छोटा आर है वो आपका रेडियस है। ठीक है बच्चा लोग, तो अभी तक हमने क्या समझा, सर्कल होता क्या है और रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला। अगर आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता हो, कोऑर्डिनेट्स पता हो और सर्कल के कोई भी पासिंग पॉइंट पता हो, और उसी फॉर्मूले से हमने सर्कल का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बना, जो है सर्कल की इक्वेशन का एक फॉर्म बोले तो स्टैंडर्ड फॉर्म, वो बना दिया उसी से हमने। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे, इक्वेशन ऑफ सर्कल पे। सर्कल की इक्वेशन को आप दो फॉर्म में लिख सकते हो, एक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म और एक होता है आपका जनरल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कि अभी मैं आप लोग को बता चुका हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके का होता है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां पे सेंटर क्या है आपका एच कॉमा के, और रेडियस क्या है आपका छोटा आर, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मैं बात करता हूं जनरल फॉर्म की। तो जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चा लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, ये भयानक लग रही है इसकी शक्ल देखने में। अरे इजी है, टेंशन ना लो। तो यहाँ पे जो सेंटर होता है बच्चा लोग वो होता है माइनस जी माइनस एफ, और जो रेडियस होता है आप लोगों का दैट इज अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्या होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, पूरे पे क्या होता है जनाब रूट होता है, और सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको रेडियस मिल जाएगा। तो ये है सर्कल की इक्वेशन जो है दो फॉर्म में होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म। अब सुनो बच्चा लोग, जो क्वेश्चन होता है ना बेसिकली यहां पे एक्सरसाइज 11.1 में जो है वो दो टाइप के हैं। क्या है वो दो टाइप के हैं, टाइप वन आपको ना सेंटर रेडियस गिवन होगा, कहेगा जनाब आप मुझे सर्कल की इक्वेशन बता दो, सर्कल की इक्वेशन बता दो। और टाइप टू सर्कल की इक्वेशन मैं बताता हूं, आप मुझे सेंटर और रेडियस बता दो। कहने का मतलब जब सेंटर रेडियस दिया हुआ तो इक्वेशन पूछेगा, और इक्वेशन दिया हुआ तो आपसे सेंटर और रेडियस पूछेगा। तो चलते हैं बच्चे लोग टाइप वन की तरफ, फाइंडिंग सेंटर एंड रेडियस। क्वेश्चन कहता है आप मुझे सेंटर एंड रेडियस बताओ सर्कल का, इक्वेशन मैं बताता हूँ। ठीक है भाई, तो चलो बच्चा लोग सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर। ओके ठीक है, अब सुनो सर्कल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है जनाब, एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सॉरी ठीक है, तो जनाब आपके पास जो इक्वेशन है ना उसकी शक्ल ऐसी बनानी है, और जहां पे माइनस के बाद जो होगा वो एच होगा, और यहां पे माइनस के बाद जो होगा वो के होगा, है ना। चलो अब ये देखिए, क्या मैं इस स्क्वायर को एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं जनाब, सेंटर और रेडियस फाइंड करने के लिए। अच्छा, इस वाई स्क्वायर को वाई माइनस जीरो का स्क्वायर लिख सकता हूं, इस फोर को टू का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब कंपेयर करवाइए आप, x है तो x, माइनस है तो माइनस, और माइनस के बाद जो भी है वो h है, तो h कितना होगा जीरो, k क्या होगा जीरो, और रेडियस क्या होगा टू। चलिए मिल गया जनाब, मिल गया बच्चा लोग, सेंटर होगा यहां पे आपका h कॉमा k, कितना होगा जनाब h कॉमा k, और कंपेयर करवाने पे h कितना मिला जीरो, और क्या k क्या मिला जीरो। ठीक है, और रेडियस बोले तो छोटा r, और छोटा r कितना है टू। कोई दिक्कत बच्चा लोग, कोई दिक्कत, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इक्वेशन है x माइनस वन का स्क्वायर y प्लस टू स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है जनाब, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। कंपेयर कराओ बच्चा लोग,
सेंटर जो होगा वो होगा आप लोगों का एच कॉमा के, ठीक है, और जो रेडियस होगा दैट इज छोटा आर, ठीक है। चलो जनाब इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग, देखो माइनस है तो माइनस, ये जो माइनस है फॉर्मूले वाला माइनस है, तो एच कितना होगा वन, तो एच कितना हो गया वन, ठीक है। प्लस है तो प्लस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां देखिए, यहां देखिए y, उसके बाद में किस चीज का साइन है, माइनस का साइन है, तो यहां क्या लग जाएगा आपका माइनस लग जाएगा, लेकिन यहां तो प्लस का टू लिखा है, यहां तो प्लस का टू लिखा है, लेकिन आपको माइनस तो लाना ही पड़ेगा क्योंकि इसी शक्ल ऐसी बनानी है, और माइनस के बाद जो कुछ भी होगा वो आपका k होगा। तो ऐसा क्या करूं मैं इस प्लस टू को, क्या करूं जिससे कोई फर्क भी ना पड़े, तो माइनस टू का होल स्क्वायर और इसको रूट सेवन का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं जनाब, माइनस माइनस प्लस का टू हो गया, और माइनस के बाद जो कुछ भी होगा वो k होगा, तो k कितना होगा यहां पे माइनस का टू, और रेडियस बोले तो छोटा r, और छोटा r कितना यहां पे रूट सेवन, बच्चा लोग रूट सेवन, आया समझ में। तो हम ये क्या था जनाब, सर्कल इक्वेशन गिवन था हमसे, सेंटर और रेडियस पूछ रहा था। सो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू हमने कर लिया है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। आप लोगों को भी करना, अब आप लोगों को भी करना है जनाब, खुद से करो खुद से। चलिए x माइनस वन का स्क्वायर y का स्क्वायर इज इक्वल टू वन है, वन, ठीक है, ओके। सर्कल के जो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, इसकी शक्ल ऐसी बनाओ। तो इसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे y का स्क्वायर है, तो ऐसा क्या करूँ मैं जनाब जो इसकी ऐसी शक्ल बन जाए, तो क्या मैं y माइनस जीरो का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिकॉज y माइनस जीरो y ही तो होगा, ठीक है, और इस वन की जगह वन का स्क्वायर लिख सकता हूँ जनाब। तो कंपेयर करवाओगे सेंटर बोले तो h कॉमा k, तो h हो गया वन और k हो गया जीरो, एंड रेडियस बोले तो छोटा r, और छोटा r कितना होगा वन, कोई दिक्कत बच्चा लो, इजी था। अब ये है जनाब अभी तक में सबसे अच्छा क्वेश्चन, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस नाइन। एक काम करो इस माइनस नाइन को उधर भेज दो, तो ये बन गया आपका प्लस का नाइन, ठीक है, ठीक है। अब नोटिस करो इस x के साथ कुछ नहीं होता ना, इस y के साथ कुछ नहीं होता ना, तो यहां से 4 कॉमन लो, और जब आप 4 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, और इस 4 को डिवाइड में भेज दो यहां पे, तो 9 बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस जीरो का स्क्वायर y माइनस जीरो का स्क्वायर और 3 बाय 2 का होल स्क्वायर। अब कंपेयर करवा लीजिए आप, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, तो बच्चा लोग सेंटर क्या हो जाएगा एच कॉमा के, एच बोले तो जीरो और k बोले तो जीरो, और रेडियस बोले तो छोटा r, और छोटा r यहां पे है क्या 3 बाई टू, कोई दिक्कत भाइयों। इस x के साथ कुछ नहीं होता ना, तो मैंने 4 कॉमा लेके उधर नीचे भेज दिया, डिवाइड में चला गया, x माइनस जीरो का स्क्वायर y माइनस जीरो का स्क्वायर 3 बाई टू का होल स्क्वायर, तो सेंटर हो गया 0,0 एंड रेडियस हो गया 3 बाय 2, कोई दिक्कत बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 4 के 4 तक में। चलते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 है अभी तक में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द सेंटर रेडियस ऑफ सर्कल, ये भी सेंटर और रेडियस ही पूछ रहा है, ओके। और इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट वाई माइनस 24 इज इक्वल टू जीरो, जी हाँ आपने सही पहचाना, ये जनरल फॉर्म में दिया हुआ इस बार, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, आइए करते हैं। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट वाई माइनस 24 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चा लोग। अब देखिए जनाब, अब बताओ जरा जनरल फॉर्म था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अब ये देखो प्लस है ना, तो यहां लिखो प्लस टू, यहां खाली छोड़ो और यहां पे x। अब एक बात बताओ मैं यहां पे क्या लिखूं जिसे सिंप्लीफाई करने पे मेरा माइनस सिक्स आ जाए, माइनस थ्री लिख सकता हूं, ठीक है ना। प्लस टू यहां पे मैं क्या लिखूं जिसे सिंप्लीफाई करने पे एट आ जाए, फोर लिख सकता हूं, प्लस है तो प्लस और ब्रैकेट में लिख दो माइनस 24। तो बच्चा लोग कंपेयर करवाओगे तो सेंटर और रेडियस, सेंटर क्या होता है माइनस जी माइनस एफ, तो ये माइनस और जी यहां से क्या निकल के आता है जनाब, क्या निकल के आता है माइनस थ्री, तो माइनस थ्री, और एफ क्या निकल के आता है बच्चा लोग, एफ क्या निकल के आता है फोर, ओके। सो माइनस माइनस प्लस का थ्री और ये माइनस का फोर हो गया, और जनाब रेडियस क्या था फॉर्मूला, रेडियस क्या था,
अंडर रूट, समझ रहे हो ना बच्चों लोग, देख रहे हो ना, माइनस जी माइनस एफ होता है, तो ये माइनस और जी कंपेयर करवाओगे तो जी कितना होगा आपका माइनस थ्री, ठीक है, एफ कितना है आपका फोर, तो माइनस माइनस प्लस का थ्री और माइनस का फोर। रेडियस क्या होगा, जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी। जी कितना है जनाब, जी 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 माइनस थ्री है, और एफ कितना है, एफ फोर है, और ये सी हो गया माइनस ट्वेंटी फोर, तो माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, प्लस ट्वेंटी फोर, तो प्लस करोगे तो फोर्टी नाइन, और रूट फोर्टी नाइन कितना होता है सेवन। सो बच्चा लोग, सेंटर आ गया थ्री कॉमा माइनस फोर और रेडियस आ गया सेवन। लेकिन लेकिन जनाब, अब मैं आपसे कहूं, इस जनरल फॉर्म को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दो और फिर बताओ सेंटर रेडियस, जैसे अभी तक चारों क्वेश्चन करे हैं आपने। हाँ जी, कर सकते हो ऐसे भी। सबसे पहले आप इस जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और फिर वहां से सेंटर रेडियस फाइंड कीजिए। चलिए पहले आप लोग वीडियो को पॉज करो, यहां तक नोट कर लो, फिर मैं आपको दिखाता हूं कैसे जनाब इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और देन सेंटर रेडियस फाइंड करोगे। चलिए बच्चों लोग देखिए, ध्यान देना बच्चा लोग, ध्यान देना आप लोग, बवाल है बवाल। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, माइनस सिक्स एक्स तो माइनस सिक्स एक्स, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्लस एट वाई माइनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल्स टू जीरो। अब ध्यान देना जनाब, मैंने क्या करा, एक्स वाली टर्म को साथ ले लिया, वाई वाली टर्म को साथ ले लिया, कॉन्स्टेंट को साइड ही रहने दिया। देखो एक्स है तो एक्स, जो साइन है वही साइन, इसका हाफ, इसका हाफ, सिक्स का हाफ थ्री का होल स्क्वायर, ऑलवेज माइनस, ऑलवेज माइनस इसी का होल स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक्स है तो एक्स, जो साइन है वही साइन, इसका हाफ, सिक्स का हाफ होता है थ्री का होल स्क्वायर, ऑलवेज माइनस इसी का होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यही तो आएगा, चेक कर लो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन, और ये माइनस नाइन कैंसिल, माइनस टू ए भी बोले तो माइनस सिक्स एक्स, ये रहा। अब सेम काम यहां पे भी करो, वाई है तो प्लस है तो प्लस, वाई है तो वाई, जो साइन है वही साइन, इसका हाफ, जो साइन है वही साइन, इसका हाफ फोर का होल स्क्वायर, ऑलवेज माइनस इसी का होल स्क्वायर, माइनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो। सो ये हो गया एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, वाई प्लस फोर का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर नाइन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, माइनस ट्वेंटी फोर। सो जनाब ये हो गया एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, वाई प्लस फोर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का फोर्टी नाइन, और उधर जाकर क्या हो जाएगा जनाब, प्लस का फोर्टी नाइन, ठीक है। सो जनाब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये हो गया x माइनस थ्री का स्क्वायर, और इसको मैं माइनस माइनस फोर का स्क्वायर, और इसको मैं सेवन का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो आप देखो किसी भी मेथड से करो, आंसर वही आएगा, सेंटर क्या होता है आपका h कॉमा k। सो यहाँ से क्या मिलता है आपको, h थ्री, और k क्या मिलता है आपको, माइनस फोर, ठीक है। एंड रेडियस क्या मिलेगा आपको, रेडियस बोले तो छोटा आर कितना है बच्चा लोग, सेवन है, कितना है सेवन। तो इससे भी वही आंसर आया, और आपने जनरल फॉर्म से भी करा वो भी उससे भी आंसर वही आया। मैं एक बार लाइन ये फिर से रिपीट करता हूं, देखो एक्स है तो एक्स, जो साइन है वही साइन, इसका हाफ का होल स्क्वायर, ऑलवेज माइनस इसी का होल स्क्वायर, जो साइन है वही साइन, वाई है तो वाई, जो साइन है वही साइन, इसका हाफ का होल स्क्वायर, ऑलवेज माइनस इसी का होल स्क्वायर, एंड माइनस ट्वेंटी फोर, देन सिंप्लीफाई कर लिया। आया बच्चों को समझ में, अच्छा क्वेश्चन था ना, ठीक है। सो जनाब मैंने पांच क्वेश्चन करवा दिए टाइप वन से, जिसमें आपसे वो सेंटर और रेडियस पूछ रहा था। अब मैं चलता हूं टाइप टू की तरफ, जिसमें आपको सेंटर और रेडियस गिवन होगा, क्वेश्चन कहेगा आप मुझे सर्कल की इक्वेशन बताओ। तो चलिए बच्चों चलते हैं टाइप टू की तरफ। क्वेश्चन कहता है आप मुझे सर्कल की इक्वेशन बताओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हूज सेंटर इज 3.4 एंड रेडियस 7 यूनिट। बड़ा ही तुच्छ क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। आइए करते हैं जनाब, सेंटर गिवन है आपके पास 3.4 एंड रेडियस है आपके पास 7 यूनिट। तो बच्चा लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में करें, x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर, सॉरी y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h कितना है 3 एंड k कितना है 4 और रेडियस हो गया 7। सिंप्लीफाई करो, x का a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी एंड सेवन का स्क्वायर 49। तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स एंड माइनस एट वाई, 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, प्लस का 49 आएगा इधर माइनस का 49 एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एट वाई एंड माइनस 24 इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये आ गया बच्चा लोग सर्कल का इक्वेशन। इजी क्वेश्चन था जनाब, कोई दिक्कत? चले क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, आप मुझे सर्कल की इक्वेशन बता दो। ठीक है, बता देंगे। जिसका सेंटर 1.1 है एंड विच पासेस थ्रू 4.5। अच्छा, क्वेश्चन कहता है जनाब एक सर्कल है जिसका सेंटर है 1.1, ओके, और वो एक पॉइंट है दैट इज 4.5 उससे पास हो रहा है। तो बच्चा लोग सर्कल की क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको दो चीज चाहिए होता है, सेंटर और रेडियस। सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो सर्कल की क्वेश्चन आपको मिल जाएगी, है ना। ओए ओए, सेंटर तो पता है, जरूरत है रेडियस की। अब रेडियस कैसे निकालूं? इसको सेंटर को ओ नाम दे देता हूं, इसको पी। अबे ओपी, रेडियस निकाल लो। ओपी 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 बोले तो क्या, आर ही तो है, रेडियस ही तो है, और डिस्टेंस फॉर्मूला से फिर रेडियस नहीं मिल जाएगा। अच्छा चलो जनाब, सबसे पहले ओपी बोले तो रेडियस, और रेडियस निकाल लो फॉर्मूला। एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, तो वन माइनस फोर का स्क्वायर प्लस वन वन माइनस फाइव का स्क्वायर, सो ये माइनस थ्री का स्क्वायर और माइनस फोर का स्क्वायर। माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन एंड फोर का स्क्वायर 16। रूट 25, रूट 25 कितना होगा आपका 5। तो जनाब रेडियस मिल चुका है आपको 5 यूनिट। अब निकालना है आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा जनाब? एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो एच कितना है 1, के कितना है 1 और रेडियस है 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चा लोग? इसे सिंप्लीफाई कर लेना आप लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाकर। ठीक है, चलते हैं जनाब। इजी क्वेश्चन था ना बच्चा लोग? कह रहे थे सेंटर मैं बताता हूं और रेडियस डायरेक्टली ना देकर कहता वो सर्कल ना एक पॉइंट से पास हो रहा है। तो अगर एक पॉइंट से पास हो रहा है तो ये जो उस सेंटर से ये जो लेंथ होगा वो क्या होगा? रेडियस ही तो होगा। और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लूंगा बोले तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना, तो बोले तो डिस्टेंस फॉर्मूला। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब चलते हैं जनाब बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, आप मुझे सर्कल की इक्वेशन बताओ। हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, ओके सेंटर उसका ओरिजिन है, बोले तो क्या होगा फिर 0.0। चलो जनाब सर्कल की इक्वेशन निकालनी है और हमें क्या चाहिए फिर? सेंटर और रेडियस ना, क्योंकि सेंटर पता है रेडियस पता है तो सब पता है। तो सेंटर तो हमें पता है 0.0 एंड द लाइन ये इज टेंजेंट टू द सर्कल। ओके, एक लाइन जो है, ठीक है जनाब, वो सर्कल का क्या है? टेंजेंट है जनाब, टेंजेंट है। तो आप जानते हो कि अगर कोई सर्कल से अगर एक टेंजेंट पास हो तो सेंटर से जो लाइन उसके ऊपर गिरती है उस पर कितने डिग्री का एंगल बना है जनाब? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, आपको सेंटर तो पता था बच्चा लोग 0.0 और उस टेंजेंट की इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं आपसे कहूं अगर मुझे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो क्या क्या चाहिए आपको? सेंटर, रेडियस। सेंटर तो पता है, जरूरत है रेडियस की। अब जो भी काम हम करने वाले हैं वो किसके लिए करने वाले हैं? रेडियस के लिए। तो अब सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो जनाब। अगर सेंटर हमें गिवन है 0.0 और ये लाइन बोले तो टेंजेंट सर्कल का दिया हुआ है और बोले तो इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का ही तो डिस्टेंस होगा ना रेडियस आपका, इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस आपका रेडियस होगा। तो आपने 10th चैप्टर में पढ़ा था एक पॉइंट से एक लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना, क्या फॉर्मूला था? देखो इसके कोऑर्डिनेट को मैं x1 y1 लेट कर लेता हूं और लाइन की इक्वेशन है ax plus by plus c is equals to 0। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था जनाब? ax1 by1 plus c upon under root a square plus b square। ये तो फॉर्मूला था बच्चा लोग, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लाइन की इक्वेशन ये है आपकी। ठीक है, तो यहां पे भी एक्स वन वाई वन क्या हो गया? 0.0 हो गया। चलो डिस्टेंस सॉल्व कर ही लो आप। ए कितना है आपका? 3, क्योंकि जो एक्स के साथ होगा वो ए होगा। तो ए कितना हो गया? 3। एक्स वन 0, बी कितना हो गया? 4। वाई वन 0 प्लस सी बोले तो माइनस का 20 है।
अंडर रूट ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बोले तो 3 और बी बोले तो 4 का स्क्वायर, ठीक है ना बच्चा लोग। कहां करूं मैं, नीचे कर रहा हूं, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, माइनस 20 माइनस 20, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, रूट 25 क्या होता है 5, और मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस का 20, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता ना, ठीक है। तो 20 बाय 5 कितना आ गया 4, जनाब मिल गया। इस पॉइंट से इस टेंजेंट के बीच का जो लेंथ होगा, जो डिस्टेंस होगा, जो रेडियस होगा, दैट इज 4 यूनिट। आया बच्चों लोग समझ में? आपने 10th चैप्टर में पढ़ा था ना स्ट्रेट लाइन में, एक पॉइंट से एक लाइन के बीच का डिस्टेंस है। अगर पॉइंट गिवन है x1 y1 और लाइन की इक्वेशन गिवन है ax plus by plus c is equal to 0, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 plus by1 plus c, ये c लिखा हुआ है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। x1 y1 क्या है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और a b c क्या है आपके, x का कोफिशियंट a, y का कोफिशियंट b, और जो कांस्टेंट है वो आपका c। देन फॉर्मूले में मैंने भर लिया और d मैंने पता कर लिया, बिकॉज बोले तो रेडियस पता कर लिया, और रेडियस कितना आया बच्चा लोग मेरा 4 आया, ठीक है। सो जनाब मुद्दा खत्म, सेंटर पता, इक्वेशन ऑफ सर्कल फिर क्या होगा बच्चा लोग, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो सेंटर गिवन है मेरे पास x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर, और रेडियस कितना है 4 बोले तो 4 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ये लीजिए आपके सर्कल की इक्वेशन मिल गई बच्चा लोग। तो चलते हैं बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सर्कल की इक्वेशन बताओ, एंड पॉइंट्स ऑफ हुज डायमीटर आर ये, जनाब डायमीटर का एंड पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है। मान लो ये पॉइंट ए है और ये दिया है आपका 2.3, एंड ये पॉइंट बी है दैट इज 10.9। आपको सर्कल की इक्वेशन पता करना है, तो जनाब सर्कल की इक्वेशन पता करना है तो आपको दो चीज सॉरी आपको सर्कल की इक्वेशन पता करना है तो आपको सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। ना तो आपको सेंटर पता, ना तो आपको रेडियस पता बच्चा लोग। यहां ओ है सेंटर आपका, और ये डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ है। तो जो रेडियस होता है, जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। मैं एक बात कह सकता हूं, ओ ए जो होगा वही ओ बी होगा, जो ओ ए होगा वही ओ बी होगा। अगर ओ ए की लेंथ 5 यूनिट है तो ओ बी भी कितना होगा, 5 यूनिट ही होगा। तो फिर मैं एक बात कह सकता हूं, जो सेंटर होगा इस ए बी लाइन का मिड पॉइंट होगा, बिकॉज जनाब ओ ए अगर रेडियस है तो ओ बी भी तो रेडियस होगा। ये जितना लेंथ होगा वही लेंथ तो ये भी होगा, फिर ये मिड पॉइंट नहीं हुआ ओ, और फिर मिड पॉइंट फॉर्मूले से फिर सेंटर नहीं मिल जाएगा। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। तो x1 प्लस x2 10 प्लस 2 12, 12 बाय 2 6, 3 प्लस 9 12, 12 बाय 2 6। तो जनाब सेंटर मिल गया 6.6। अब सर्कल के क्वेश्चन के लिए आपको जरूरत है रेडियस की। अबे दो पॉइंट पता है, डिस्टेंस फॉर्मूले से आपको रेडियस मिल जाएगा। बोले तो अगर OA निकालना है आपको तो बच्चा लोग 6 माइनस 2 का स्क्वायर एंड 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 रूट 25, रूट 25 कितना आ गया 5 यूनिट आ गया। तो बच्चा लोग रेडियस क्या हो गया 5। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर आपको फाइंड करना है जनाब, तो फॉर्मूला क्या था, x माइनस h का स्क्वायर y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। h है 6, k है 6 एंड r है 5। इसे सिंप्लीफाई कर लो, आपको सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। इजी क्वेश्चन था, डायमीटर का एंड पॉइंट गिवन था, तो फिर जो सेंटर होगा इस लाइन का मिड पॉइंट होगा। तो x1 प्लस x2 बाय 2 से मिड पॉइंट फॉर्मूले से सेंटर पता कर लिया, और डिस्टेंस फॉर्मूले से रेडियस पता कर लिया। सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो सब पता है। सो जनाब इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन बताओ, पासिस थ्रू ओरिजिन। ओके, वो जो सर्कल है ना ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। एंड हु इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब होता है काटना, वो एक्सेस, एक्सेस वर्ड है, एक्स एक्सिस को भी काटता है, वाई एक्सिस को भी काटता है, 4.6 रिस्पेक्टिवली, यानी कि एक्स एक्सिस को 4 पे कट करता है, वाई एक्सिस को 6 पे कट करता है। चलिए जनाब एक्चुअल में जो बच्चा लोग फिगर रही होगी वो ये रही होगी, मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, कुछ इस तरीके का फिगर बन रहा होगा, ठीक है। और बच्चा लोग वो जो ये सेंटर है इसका, और एक्स एक्सिस को वो 4 पे कट करता है। मान लो ये ए कोऑर्डिनेट है दैट इज 4.0,
और ये बी कोऑर्डिनेटर दैट इज 0.6, ये है इसकी एक्चुअल फिगर। और आपसे कहता है इसकी इक्वेशन बताओ, और वो जो सर्कल है ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। सो सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा था, है ना। चलिए अब जरूरत है आपको सेंटर की और रेडियस की। ओए ओए जनाब, इसको मैं ओ अगर सेंटर को नाम दूं तो ओए क्या है, रेडियस, ओबी क्या है, रेडियस, यानी कि मैं कह सकता हूं ओए ओबी के बराबर होगा। और फिर अगर ओए ओबी के बराबर होगा तो ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, है ना। तो कहने का मतलब जनाब मिड पॉइंट हुआ ना फिर तो, क्योंकि OA मेरा अगर रेडियस है और OB मेरा रेडियस है, बोले तो जो लेंथ ये होगा वही लेंथ ये होगा, फिर तो O मिड पॉइंट हुआ। और फिर पिछले क्वेश्चन की तरह मिड पॉइंट फॉर्मूले से मैं सेंटर निकाल सकता हूं, तो कितना होगा 0+4 x1 प्लस x2 बाय 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है आपका, x1 प्लस x2 बाय 2, तो 0+4 4 बाय 2 2 एंड 6+0 6 बाय 2 3। जनाब पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम था, सेंटर मिल गया आपको 2.3। अब रेडियस की जरूरत है भाई, तो डिस्टेंस फॉर्मूला OA से निकाल लो या फिर OB से निकाल लो, डिस्टेंस सेम ही आएगा, समझ रहे आप लोग। तो जनाब आपको सेंटर मिल चुका है, दैट इज 2.3, बात है रेडियस, OA बोले तो रेडियस और रेडियस निकाल लो, 2-4 का स्क्वायर 3-0 का स्क्वायर, सो 2-4 -2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, √13। बच्चा लोग आपको रेडियस भी मिल चुका है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो एच कितना है 2 और के कितना है 3 का स्क्वायर, आर स्क्वायर बोले तो √13 का स्क्वायर। इसे और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 का स्क्वायर वाई माइनस 3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट गया, सो 13। इसे सिंप्लीफाई कर लेना बच्चा लोग, आपको इक्वेशन मिल जाएगी जनाब, कोई दिक्कत। चलते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, आप मुझे सर्कल की क्वेश्चन बताओ, कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है दो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, ठीक है बच्चा लोग। सो एक सर्कल की इक्वेशन पूछ रहा है और एक सर्कल की इक्वेशन जिन दोनों सर्कल का सेंटर सेम है उसका इक्वेशन गिवन है, ठीक है। और कहता है वो जो सर्कल है जिसकी इक्वेशन आपसे पूछ रहा है उसका एक पासिंग पॉइंट गिवन है 5.7। सो कहानी क्या रही होगी वो देखिए, ये आपका सर्कल है जो 5.7 से पास हो रहा है, और एक सर्कल और है जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और जनाब दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, दोनों सर्कल का सेंटर क्या है आपका सेम। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से, अब जनाब इस सर्कल की अगर मुझे इक्वेशन निकालनी है तो सेंटर और रेडियस की तो जरूरत है। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके सेंटर पता कर लूं तो जो सेंटर इस सर्कल का होगा वही सेंटर इस सर्कल का होगा, बिकॉज दोनों सर्कल क्या है कॉन्सेंट्रिक है, दोनों सर्कल का सेंटर सेम है। तो चलिए इस सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व करें आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो देखो जनाब क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, बच्चा लोग स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2, मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस 6 आ जाए, माइनस 3 से ना, प्लस 2 यहाँ खाली छोड़ा y, किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ जाए, तो 2 से करूँगा ना बच्चा लोग, ठीक है। एंड 2fy प्लस c, c कितना है 1 इज इक्वल्स टू 0। सो जनाब यहाँ पे सेंटर क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ। तो बच्चा लोग जी क्या है, जी यहाँ पे कंपेयर करवाने से क्या मिला मुझे, माइनस 3, और एफ कितना है आपका 2 है, तो माइनस माइनस प्लस 3.2। जनाब सेंटर मुझे मिल गया 3.-2, कितना हो गया 3.-2। और रेडियस क्या होता है बच्चा लोग, रेडियस बोले तो यहाँ पे आर थोड़ी होता है, फॉर्मूला होता है ना जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी। तो जी कितना था आपका, जी 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 कंपेयर करवाने से आया था माइनस 3, और एफ कितना था एफ 2, और सी कितना था आपका 1, ठीक है। चलिए माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1, 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 1 दैट इज √12। जनाब रेडियस फॉर्मूला क्या था, जी का स्क्वायर
प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी, तो जी कितना था माइनस थ्री, एफ कितना था टू और सी कितना था आपका वन था, है ना जनाब। फिर माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, टू का स्क्वायर, स्क्वायर तो लगाए नहीं, टू का स्क्वायर फोर माइनस वन कितना हो गया आपका ये नाइन प्लस फोर थर्टीन, थर्टीन माइनस वन रूट ट्वेल्व। सो बच्चा लोग एक बात बताओ, अबे इस ये तो इसकी रेडियस निकली ना, ये रेडियस वैसे इस रेडियस से कोई जरूरत थोड़ी है हमें, ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, फालतू में निकाल दिया, जरूरत था सेंटर का और मुझे सेंटर तो मिल चुका है ना, सेंटर तो मुझे मिल चुका है, मुझे जरूरत है जनाब इस वाले रेडियस की, इसको मैं बड़ा आर नाम दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो बड़े सर्कल का रेडियस मिला मुझे, ये किसी काम का थोड़ी है, मुझे तो इस वाले सर्कल की क्वेश्चन चाहिए और इस सर्कल की क्वेश्चन के लिए सेंटर और रेडियस चाहिए, तो सेंटर तो मुझे पता है, रेडियस निकालना, रेडियस अबे भाई डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेना, इसको पॉइंट ओ नाम दे दे, इसको पॉइंट ए, ओ ए बोले तो क्या, ओ ए बोले तो क्या रेडियस ही तो होगा, और कैसे मिलेगा डिस्टेंस फॉर्मूले से, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, पूरे पे रूट कर लोगे खुद से, जब डिस्टेंस फॉर्मूले से आपको रेडियस मिल जाएगा तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, चलो निकाल ही देता हूँ यार, तुम भी क्या याद रखोगे, 5 माइनस थ्री का स्क्वायर 7 माइनस माइनस प्लस 2 जनाब, x2 माइनस x1 का स्क्वायर तो 5 माइनस थ्री का स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो 7 माइनस माइनस 2 तो प्लस 2 का स्क्वायर, तो बचा लो 5 माइनस थ्री का हुआ 2 का स्क्वायर 4, 7 प्लस 2 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 4 कितना हो जाएगा रूट 85। आपको रेडियस भी पता है सेंटर भी पता है तो कर लोगे ना खुद से, क्या होता है x माइनस h का स्क्वायर बोले तो माइनस थ्री का स्क्वायर, y माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर और r का स्क्वायर बोले तो रूट 85 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करने ना आपको सर्कल की क्वेश्चन मिल जाएगी। तो कहने का मतलब बच्चे लोग क्वेश्चन बेहतरीन था ना, कह रहा था दो सर्कल है जिनका सेंटर सेम है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने सेंटर पता कर लिया और डिस्टेंस फॉर्मूले से फिर रेडियस निकाल लिया, सेंटर पता है रेडियस पता है तो सब पता है, आपको सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी बच्चा लोग, आया समझ में। अब चलते जनाब लास्ट क्वेश्चन बोले तो महाबवाल क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 पे क्वेश्चन कहता है आप मुझे सर्कल की क्वेश्चन बताओ जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। ओके जनाब एक सर्कल है हमारे पास जो दो पॉइंट से पास हो रहा है 4.1 एंड 6.5, ठीक है, एंड हूज सेंटर इज ऑन द लाइन, और एक लाइन पास हो रहा है जनाब सेंटर से, एक सेंटर से लाइन पास हो रहा है, उस लाइन की इक्वेशन है 4x plus y is equals to 16, समझ आया, सर्कल है उसका इक्वेशन आप मुझे बताओ, क्वेश्चन कहता है जो दो पॉइंट से पास हो रहा है और एक लाइन उसके सेंटर से पास हो रहा है और लाइन की इक्वेशन है 4x plus y is equals to 16, तो देखिए बच्चों लोग कैसे होगा, मैं लेट कर रहा हूं इसका सेंटर थोड़ी देर के लिए, लेट सेंटर इज इक्वल्स टू एच कॉमा के एंड रेडियस को छोटा आर, तो फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा बच्चा लोग, इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब मैं एक बात कह सकता हूं, अगर ये सर्कल 4.1 से पास हो रहा है, 4.1 से गुजर रहा है, तो 4.1 इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो मैं पुट करूंगा तो सर्कल की क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा ना जनाब, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं क्या बोलने वाला हूं, द पॉइंट 4.1 इज ऑन द सर्कल, जो 4.1 है वो सर्कल पे है, देयरफोर इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सो पुट x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया 4 माइनस h का स्क्वायर और ये हो गया 1 माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, ये h का स्क्वायर माइनस का 8h, k का स्क्वायर माइनस का 2k इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k और 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा आप लोगों का 17 हो जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूं मैं, क्या मान रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद सुनो जनाब, r नहीं होगा यहां पे, क्या होगा r का स्क्वायर होगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद देखिए बच्चा लोग, फिर से मैं एक बात कह सकता हूं क्या, द पॉइंट 6.5 इज ऑन द सर्कल, देयरफोर इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सो पुट
एक्स इज इक्वल्स टू 6 एंड वाई इज इक्वल्स टू 5। तो जनाब पुट कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा 6 माइनस एच का स्क्वायर एंड 5 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 12h हो गया। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 5 टू 10k इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सो जनाब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बचा लो इक्वेशन ऑफ 1 2 से, ठीक है, दोनों को मैं इक्वेट करवा रहा हूँ और फिर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा। मैंने अभी तक यहां तक क्या करा मैं आप लोगों को समझा देता हूं। मैंने कहा अगर सर्कल इस पॉइंट 4.1 से गुजर रहा है तो फिर 4.1 इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो यहां मैंने पुट कर दिया इसकी इक्वेशन में, तो मुझे एक इक्वेशन मिल गया। मैंने फिर कहा कि 6.5 से एक सर्कल पास हो रहा है तो फिर उस सर्कल की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो सर्कल की इक्वेशन में मैंने 6.5 भर दिया। ये सर्कल की इक्वेशन में लेट करा था ना, ये इसे मैंने पुट करा, तो यहाँ से फिर मुझे एक इक्वेशन मिला। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट करवा रहा हूँ, और बच्चे लोग जब एक साथ इक्वेट करवाऊंगा तो क्या होगा वो देखना आप लोग। तो एक काम करो, पहले वीडियो को यहाँ तक पॉज कर लो, ठीक है, और फिर नोट डाउन कर लो। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, सेंटर और रेडियस के लिए, क्योंकि सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो सब पता है। ओके, सो अपने काम करो, वीडियो को पॉज करो और नोट करो, बिकॉज मुझे यहाँ ऊपर की 2-3 लाइनें जनाब गायब करनी पड़ेंगी। अब देखिए, देखना बच्चा लोग, दोनों को इक्वेट करवाऊँ अगर मैं, तो ये है मेरा एच का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8h माइनस 2k प्लस 17 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, है ना। और वो क्या है जनाब, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 12h एंड माइनस 12h हो गया माइनस 10k, माइनस 10k जनाब, अच्छा सिंप्लीफाई 16 प्लस 1 17, ठीक है, एंड 36 प्लस 25 कितना हो जाएगा बच्चा लोग, 6 5 11 1 3 4 5 6 61 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। दोनों को जनाब इक्वेट नहीं करवा रहा, सॉरी सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ। तो प्लस आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर बर्बाद, ये बर्बाद, ये बर्बाद, 12 में से 8 गया तो ये हो जाएगा 4h, और 10 में से 2 गया तो ये हो जाएगा 8k, और माइनस प्लस माइनस होता है, है ना। तो 11 में 7 गया तो कितना होगा, 7 4, क्या नहीं देगा, तो 11 में 7 गया तो 4, और ये 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 44 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चा लोग। अब इसके बाद देखिए, एक काम करो ना, क्या करो, 4 कॉमन ले लो, तो h हो जाएगा 4 टू, अच्छा बीच में किससे साइन आएगा, माइनस का, ये 11 ये 0 हो जाएगा, ठीक है, हटाओ अब यार इसका अब जरूरत नहीं है। तो जनाब इस 4 को उधर भेज दोगे तो h प्लस 2k माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0, तो 0 बाय 4, ये 0 बाय 4 हो जाएगा ना, तो h प्लस 2k, 0 बाय 4 0 और माइनस का 11 जाके उधर प्लस का 11 आ गया, थर्ड इक्वेशन आ गया जनाब, ठीक है बच्चा लोग। अब सुनो मेरी बात, अभी तक आपने क्या करा, ये जो दो पॉइंट्स गिवन थे जो सर्कल पे थे उनसे आपने दो इक्वेशन बनाया था और दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाया, तो एक नया इक्वेशन बन के आपके सामने तैयार हो गया। और फिर बच्चा लोग ये जो लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, बोले तो सेंटर जो लेट करा था आपने एच कॉमा के, वो सेंटर से पास हो रहा है, तो ये जो एच कॉमा के है कोऑर्डिनेट सेंटर का, वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज ये लाइन सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर से गुजर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, लाइन द सेंटर एच कॉमा के इज ऑन द लाइन, देयर फोर इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। So, यहां से आ गया 4h plus k is equals to 16, that is fourth equation बचा लो, and from equation 3 and 4 क्या है आपका, h plus 2k is equals to 11, 4h plus k is equals to 16, इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दो आप, है ना, तो 4h आ जाएगा 4 to the 8, 11 4 is the 44, सो 4h प्लस के 16 माइनस 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 बर्बाद 7k और 14 ये 8 हो जाएगा और 3 में 7 2, तो बचा लो k कितना आ गया 4, अब k 4 आ गया तो फर्स्ट थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो,
तो थर्ड इक्वेशन क्या था आपका, एच प्लस टू के इज इक्वल्स टू 11, तो ये हो जाएगा 4 2 8, बिकॉज जनाब के आपका 4 है ना, तो 4 2 8 और 11 माइनस 8 कितना हो जाएगा 3। तो बच्चा लोग सेंटर जो था आपका एच कॉमा के, वो एच है 3 और के है 4, तो जनाब ये लीजिए आपका सेंटर मिल चुका है 3 कॉमा 4, है ना, सेंटर मिल गया 3 कॉमा 4। आया समझ में? फिर से रिपीट करता हूँ एक बार, आपने कहा कि इसका सेंटर को आपने एच कॉमा के लेट कर लिया, और आप फिर आपने कहा कि 4 कॉमा 1 सर्कल की इक्वेशन, सर्कल पे है तो सर्कल की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से एक लंबी चौड़ी आपने इक्वेशन बनाई, ये रही ऊपर वाली। फिर आपने कहा कि 6.5 भी सर्कल पे है तो सर्कल की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, फिर एच एक्स और वाई की जगह आपने 6.5 भर के एक इक्वेशन बनाया, दोनों को सेपरेट करवाया, जब सेपरेट करवाया तो थर्ड इक्वेशन मिला आपको। फिर आपने कहा ये जो लाइन है वो एच कॉमा के, बोले तो सेंटर से पास हो रहा है, तो सेंटर जो है एच कॉमा के वो सर्कल उस लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से आपने इक्वेशन बनाया। थर्ड और फोर्थ से आपने के पता कर लिया और एच बोले तो सेंटर पता कर लिया। अब जनाब एक बात बताओ, या तो इससे या फिर इससे आप रेडियस निकाल लोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, और फिर सेंटर पता है आपको और रेडियस पता है, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेना, फिर सर्कल की इक्वेशन बोले तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, एच के की जगह 3 4, और डिस्टेंस फॉर्मूले से जो डिस्टेंस आएगा, जो रेडियस आएगा, उस आर की जगह पुट कर देना, आपको सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी बच्चा लोग। सो जनाब मैंने सारे कॉन्सेप्ट करवा दिया आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल से, जो आपका 11.1 का है, सारे कॉन्सेप्ट एक एक क्वेश्चन करवा दिए। अब आपका काम है बच्चा लोग 11.1 खुद से करना, ठीक है, बट इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा 11.1 पे, लेकिन फिर मैं आपकी ड्यूटी देता हूं, आपको ये 11.1 इस वीडियो को देखने के बाद खुद से करना है, ठीक है जनाब। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।